Assalamualaikum everyone, तो कैसे आप सब? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको विश करूँ, कल ईद है, आज 28th ऑफ जून है, तो कल 29 जून को ईद है, तो आप सबको ईद मुबारक बहुत बहुत तहे दिल से। एंड आई होप आप सब बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, करेंगे कल अपने फैमिली के साथ। तो आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आई हूँ रिलेटेड टू हमारा स्किन, जो कि आजकल के दौर में हमारा बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है, एक अच्छा टोटल ग्लास स्किन पाना। तो आज मैं इस वीडियो में चार ऐसे क्लिंजर्स, फेस क्लिंजर्स के बारे में बात करूंगी जो टॉप इंडिया का टॉप 4 फेस क्लिंजर्स में आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हम प्रोडक्ट के बारे में बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे स्किन केयर रूटीन में फेस क्लिंजिंग का क्या रोल है। जब भी हम कोई सा भी फेस रूटीन हम फॉलो करते हैं, तो फर्स्ट होता है क्लिंस करना, फिर टोन एंड मॉइस्चराइज, फिर उसके बाद स्टेप आगे बढ़ता जाता है। तो आज के वीडियो में हमारा कंसर्न होगा फर्स्ट वाला स्टेप, जो कि है फेस क्लिंजिंग। हमारे स्किन का एक अलग से पीएच होता है, जिसमें 5.0 से बिलो जो होता है उसको बेटर माना जाता है, एंड अबव 5.0 इज नॉट गुड। तो उसी हिसाब से मार्केट में बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस है अवेलेबल, कि हम सर्च भी करेंगे तो बहुत हमें ऑप्शंस वैरायटीज मिलेंगी, जिसकी वजह से हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड फेस क्लिंजर हमें अपने फेस के हिसाब से ही लेना है, जो भी हमारे स्किन का कंसर्न होगा उसी हिसाब से लेना होगा, एंड जो उसका पीएच होगा वो भी हमारे स्किन से मैच होना चाहिए, क्योंकि पीएच जो है स्किन का एक प्रोटेक्टिव बैरियर है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया होती है वो सब नहीं होने देता है। अगर उसमें से जरा भी गड़बड़ी होगी तो हमें एक्नीज, इंफ्लेमेशन होगी, एक्ने वल्गरिस, फोरेसिस जैसे ऐसे स्किन डिजीजेस हो सकती है, स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगी जस्ट हर्ब्स का, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी फॉर्मिंग फेस वॉश विद टी ट्री एंड मिंट बेस्ड है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगे कि इसके साथ ये एक फॉर्मिंग फेस वॉश है, इसके साथ ये जो सिलिकॉन जो ब्रश भी दिए हुए हैं, जो कि बहुत ही जेंटल एंड बहुत ही ये फील होता है, सॉफ्ट फील होता है, ताकि हम ऐसे प्रेस थोड़ा पंप करेंगे तो इसमें से फेस वॉश निकल के आएगा, तो हम अच्छे से मसाज भी कर सकते हैं, और जो भी डर्ट होगा हमारे जो ये फॉर्मूला है वो हमारे स्किन के पोर्स तक अच्छे से पहुंचेगा। तो ये मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ लगी इसके बारे में। सेकंडली, इसकी इतनी रिफ्रेशिंग सा स्मेल है ना, ओह माय गॉड, आई एम जस्ट लिटरली, ये बहुत रिफ्रेशिंग है इसकी, इसका जो स्मेल है ना वो पूरा मिंटी सा स्मेल है। ऑफ कोर्स इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो मिंट ही है, बट इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग है। एंड आप सोचो कि सुबह सुबह उठ के हम ऐसे ठंडे ठंडे फॉर्मिंग फेस वॉश से मिंटी वाला, जिसमें से खुशबू आई, उसके साथ फेस वॉश धोएंगे तो कितना कितना फ्रेश हमें फील होगा। एंड ऑन द अदर हैंड, ये हमारे जो स्किन की प्रॉब्लम्स है उसको भी सॉल्व करती जाएगी। अगर आप भी ऐसी स्किन कंडीशन से डील कर रहे हैं तो तो ये वाला जो फेस वॉश है आई होप आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्लिंजर की तरफ। सो द नेक्स्ट वन इज गावा का ग्लो जूसी क्लिंजर विद विटामिन सी, ए, ले, प्रो विटामिन बी 5 भी है, जो कि इंस्टेंटली ब्राइटन्स करता है स्किन को। ये फेस वॉश इंस्टेंटली ब्राइटन्स करता है हमारी स्किन को एंड रिड्यूस करता है अपीयरेंस ऑफ डार्क स्पॉट। ये विजिबल रिजल्ट देता है विद इन वन वॉश, मेंटेन्स करता है स्किन के पीएच बैलेंस को एंड क्लींस करता है फेस को विदाउट स्ट्रिपिंग ऑयल एंड प्रमोट्स मॉइस्चर एंड हाइड्रेशन। ये बना है फ्रूट से, विटामिन सी प्लस अल्फा लिपोलिक एसिड एंड प्रो विटामिन B5। इसके अगर पैकेजिंग की बात करें तो ये बहुत ही क्यूट पैकेजिंग में आया है, जो कि पूरा गावा का पूरा लुक दे रहा है, जो कि ये गावा फ्रूट से बना हुआ है। एंड इसकी जो फ्रेग्रेंस है, ओह माय गॉड, इट्स प्योर, ऐसा लगता है गावा ही फ्रेश फ्रूट मेरे थाली पे ऐसे परोस के मुझे दे रहे हो। एंड इसमें कोई भी आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस यूज नहीं किया है, इसमें नेचुरल जो फ्रूट है उसी का ही स्मेल है, एंड इट्स वेरी वेरी फ्रूटी सा, एक अच्छा सा रिफ्रेशिंग सा स्मेल दे रहा है। सो गाइस, द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज पिलग्रिम का सैलिसिलिक एसिड एंड ग्लाइकोलिक एसिड का फोमिंग फेस वॉश है। इसमें आपको पता ही है कि पिलग्रिम के प्रोडक्ट्स में सीक्रेट्स ऑफ जीजो आइलैंड्स होता है कोरिया से। इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है सैलिसिलिक एसिड एंड ग्लाइकोलिक एसिड। तो मैं बताती हूँ कि इन दोनों का क्या क्या रोल है स्किन के बेटरमेंट के लिए।
सैलिसिलिक जो एसिड है वो हेल्प करता है हमारे स्किन के जो पोर्स है उसको क्लियर आउट करने के लिए, इसको क्लेंस करने के लिए, और जो डेड स्किन सेल्स है उन सबको रिड्यूस करता है एंड प्रमोट करता है हमारे स्किन की सीबम प्रोडक्शन। जो ग्लाइकोलिक एसिड है वो रिड्यूस करता है एक्नी को एंड एक्सफोलिएट करता है डेड स्किन सेल्स को एंड करता है हमारे स्किन को हाइड्रेट। ये जो फॉर्मिंग फेस वॉश है वो बेस्ट है ऑयली स्किन के लिए, एक्नी प्रोन स्किन के लिए एंड उन स्किन के लिए जिन पे बहुत सारे ब्लेमिशेस या फिर पिगमेंटेशंस है। अगर इसकी पैकेजिंग की बात करें तो बहुत स्मार्टली इसको डिजाइन किया गया है एंड जो कि एक फॉर्मिंग फेस वॉश है तो इन द फॉर्म ऑफ फोम ये आएगा। इसकी टेक्सचर जो है वो बहुत ही फॉर्म वाली है एंड इट स्मेल्स रियली अगेन बहुत रिफ्रेशिंग सा इसका स्मेल आ रहा है। सो द लास्ट प्रोडक्ट इज प्योर सेंस का एनर्जाइज ग्रेप फ्रूट रेविटलाइजिंग फेस क्लेंजिंग जेल। ये जो फेस वॉश है वो हमारे स्किन को डीप जेंटल क्लीन करता है विद द हेल्प ऑफ विटामिन सी। ये ट्रांसफॉर्म करता है डल कॉम्प्लेक्शन को एंड लीव्स योर स्किन ब्यूटिफुली रेडियंट। बूस्ट करता है कोलेजन प्रोडक्शन एंड रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस है इसका एंड इट्स ऑल्सो रिच इन ग्रेप फ्रूट विटामिन सी एंड एंटी ऑक्सीडेंट्स। एंड सबसे अच्छी चीज ये पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है, कार्सिनोजेन एंड क्रुएल्टी फ्री भी है। अगर इसकी पैकेजिंग की बात करें तो ये बहुत ही अच्छे से पैक्ड हुआ है एंड जेली जेली जैसा इसका फॉर्मूला है। अगेन इसकी जो स्मेल है वो बहुत ही फ्रूटी सा स्मेल है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो में टॉप 4 क्लिंसिंग फेस वॉश। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा जो भी मैंने रिकमेंड किया है एंड ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे आप लोगों को बोल रही हूँ, मैं खुद भी यूज करती हूँ तभी मैंने बोला, वरना मैं नहीं बोलती। अगर आप सबको भी ये वाले फेस क्लिंसर्स लाना है तो जस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक दिया हुआ है, मतलब अलग से हर एक प्रोडक्ट का एंड उसका अपना लाइक कोड भी दिया हुआ है और वो कोड यूज करने से आपको एक्स्ट्रा एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आप वो वाला कोड भी डिस्क्रिप्शन से अप्लाई कर लेना ताकि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिले। आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा एंड या आप कल ईद है तो आप लोग भी बहुत अच्छी तरीके से अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ईद मनाइए। बाकी मिलते हैं ऐसे ही बहुत अच्छे वीडियोज के साथ नेक्स्ट टाइम एंड या जस्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शब्बा खैर एंड ईद मुबारक।